हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल द कंप्लीट माइथोलॉजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्यों को डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है भला, और इससे कैसे मुक्त हो जा सकता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का एक ही कारण है, वो है एक्सपेक्टेशन। महाभारत में पितामह भीष्म बोलता है कि एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन हमारे इमेजिनेशन से ही आता है। इस चीज़ के ऊपर एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ दोस्तों। एक दिन एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर अपने क्लास में सभी बच्चों को एक सवाल करता है। तो सभी बच्चा क्वेश्चन ध्यान से सुनता है। तो वो टीचर बच्चों से पूछता है कि मान लो तुम रात में अपने अपने घर में सोने के लिए गए हो, और कुछ देर बाद तुम सपने में देखते हो कि तुम जू में अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, और तुम वहाँ पे घूमते घूमते एक पिंजरे के अंदर एक टाइगर को देख रहे हो, और कुछ देर बाद वो पिंजरे को तोड़कर वो टाइगर बाहर आ जाता है तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे? तो एक बच्चा ने बोला कि मैं भाग जाऊंगा, और एक ने बोला कि मैं अपने मम्मी को बुलाऊंगा। तो और एक बच्चे ने बोला कि मैं टाइगर के मुंह में मुक्का मारूंगा। तो मैडम बोले, ना ना बच्चों, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टाइगर तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो उस समय और एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं नींद से जाग जाऊंगा। तो दोस्तों, बोलिए कितना बुद्धि से ये बात उसने कही। एक्चुअली दोस्तों, हमारा नींद के समय हमारा कॉन्शियस लेवल कम होता है, और फिर हम नींद में सपना देख के विचलित होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब हम उस चीज़ पे आसक्त हो जाते हैं, और उस चीज़ पे आसक्ति होने से हमारा कॉन्शियस लेवल कम होता है, और हम उस चीज़ को लेकर सपना देखते हैं, और उस सपने में बाधा आने से हम डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों, उस डिप्रेशन से मुक्त होने का उपाय क्या है? हमें नींद से जाग जाना होगा, मतलब हमारे कॉन्शियस लेवल को ठीक करके, हमें कोई भी चीज़ से आसक्ति को दूर करके हमें वास्तव में आना होगा। जब हम वास्तव में आएंगे, तब हम देखेंगे कि कोई डिप्रेशन का कारण ही नहीं था, वो सिर्फ एक सपना ही था। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारा जीवन का सभी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का कारण हमारा इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन ही है। इस बारे में भगवान अपने गीता 2.62 एंड 63 नंबर श्लोक में बोल रहा है कि इंद्रियों का विषय चिंता करते करते मनुष्यों को उसमें आसक्ति होता है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, और मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति का नाश होने से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से सर्वनाश होता है। एक्चुअली किसी भी इंद्रिय का विषय चिंता करते करते हमारा मन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हमारे मन, बुद्धि और इंद्रिया कैसे काम करता है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा मन जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस डिप्रेशन से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है किसी भी चीज़ से आसक्ति और एक्सपेक्टेशन ना रख के वास्तव में रहना होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद हुआ तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसा ही माइथोलॉजी का फैक्ट्स और हमारा हर प्रॉब्लम का सलूशन यूजिंग माइथोलॉजी लेकर आता हूँ दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप जाके लाइक और फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।